नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार विक्रम और आप देख रहे हैं भीकेवी फंडा। तो दोस्तों, आज आमने सामने की दुनिया में हम आपको मिलवाने वाले हैं, आपके रिकमेंड पे हम लेकर के आए हैं आपके कुबरा क्लेन का, कुबरा अली का इंटरव्यू। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम आप इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम और मोटिवेट हो और आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो लाते रहें। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे कुबरा अली जी का। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल भीकेवी फंडा में आपका। बहुत बहुत थैंक यू भाई। तो सबसे फर्स्ट सवाल हमारा ये है कि आपका रियल नेम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मेरा रियल नेम है सलीम अली और मैं वेस्ट बंगाल का नदिया के पास में रहता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि आपका रियल एज कितना है और आपके एजुकेशन क्या है? मेरा रियल एज है 16 होगा अभी 2 महीने बाद। अच्छा, और एजुकेशन? 11 अभी चलेगा। सवाल मेरा ये है कि आप फर्स्ट टाइम जब गेम खेलना स्टार्ट किए थे तो पबजी से खेलना स्टार्ट किया था या किसी और गेम से? पबजी मोबाइल से स्टार्ट किया था और सीजन 2 से स्टार्ट किया था पबजी मोबाइल, और उसके बाद में खेल रहा था और सीजन 12 में किया था पबजी मोबाइल का कॉन्करर, और उसके बाद सीजन 13 में पूरा एशिया टॉप 1, 2, 3 के अंदर ही था पूरा सीजन, और उसके बाद में उधर ही गया और कर लिया, और उसके बाद उधर कुछ दिक्कत हो रहा था मतलब मोबाइल के लिए, तो फिर लाइट खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो इससे रिलेटेड ही मेरा नेक्स्ट सवाल है कि आपने पबजी लाइट कब से खेलना स्टार्ट किया? पबजी लाइट में मैं आया अभी 4 महीना बस, 4 नहीं, पहले 2 बार खेला था। तो मेरा चैनल जितने दिन से चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ उतने दिन आया, तो 4 महीना नहीं, 6 महीना 7 महीना ऐसा कुछ होगा। तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि YouTube पे वीडियो बनाने का आइडिया कैसे आया? YouTube पर वीडियो बनाने का आइडिया मतलब मेरा बड़े भैया से। तो नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आपके क्लेन का क्या नाम है और आपके क्लेन में कितने बंदे हैं? क्लेन का नाम है कोबरा और बंदे है 25 ऐसा है, 25-26। नेक्स्ट सवाल ये है, थोड़ा पर्सनल है फिर भी आपको बताना है कि आपका अभी यूट्यूब इनकम कितना है? अभी तो एक बार ही आया बस पेमेंट, 7-8 के आसपास एक बार आया बस, और आएगा तो अभी एक नया डिवाइस लूंगा, देखता हूँ। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे कि आपने अपना फेस रिवील भी कर दिया, फिर भी आप लाइव स्ट्रीमिंग विदाउट फेस करते हैं और अभी इंटरव्यू भी आप विदाउट फेस ही कर रहे हैं, तो ये विदाउट फेस इंटरव्यू करने का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन कुछ नहीं है, बात कैसा लगता है मुझे और लाइव स्ट्रीम फेस के मतलब कैसा लगता है, लेकिन पिक जो मांगता है दे देता हूँ। और लाइव स्ट्रीम के लिए तो अभी कैमरा नहीं है, तो कैमरा वैमरा लूंगा तो तब देखूंगा फेस कैम के लिए, लेकिन ऐसे ब्लॉग बनाने गया था लेकिन बनाने गया और वापस आ गया फिर। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि यूट्यूब को लेकर के आपका इन फ्यूचर क्या प्लान है? प्लान चल रहा है मतलब सोचा नहीं ज्यादा कुछ, बट देखते हैं जितना दूर चलेगा, अगर ऐसा सपोर्ट आता है तो हम चलाएंगे कंटिन्यू। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जैसे कोबरा क्लेन में रावण एक्सप्लोर है, कुबरा भाई है, तो इन लोगों का ब्लॉग आ रहा है, बट व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि आपका ब्लॉग उनको देखने के लिए कब मिलेगा? यही तो भाई मेरे को खुद को ही पता नहीं है, मतलब मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ तो उधर 3.5 घंटे तो 4 घंटे तो लग ही जाता है पूरा, और उसके बाद पबजी लाइट पे तो पता ही भाई पापी गन तो उधर गेम प्ले निकालने में बहुत मुश्किल होता है, कैसे मतलब एक तो ग्लिच भरपूर है और उसके साथ साथ भाई हर फुल पूरा स्क्वाड के पास रहता है आरपीजी पापी गन, मतलब S12 के तो भाई हर बंदे के पास रहते हैं, तो ऐसा इसी ने तो उधर भी टाइम निकल जाता है बहुत, और उसके बाद शॉर्ट वीडियो बनाने जाओगे तो उधर थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि ऐसा ऐसा बनाऊंगा, तो उधर भी टाइम लगता है 2-4 घंटे, तो ऐसे ही टाइम निकल जाता है, और उसके बाद पढ़ाई करके मतलब सब कुछ करने में टाइम निकल जाता है, तो ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता, और देखेंगे अभी टाइम मिले तो बनाएंगे। नेक्स्ट सवाल ये है कि
आप YouTube जर्नी में आप अपना इंस्पिरेशन किसे मानते हो? मानता हूँ मतलब मैं जब PUBG मोबाइल खेलता था तो उधर में बड़े भाई का देख के करता था और लाइट पे कोबरा भाई। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये है कि आप अपनी सफलता में किस इंसान को अपना श्रेय देना चाहेंगे? कोबरा भाई एकदम, और कोबरा भाई और रावण एक्सप्रो दो है भाई, एक नहीं दो है। अच्छा। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि जब आपका फर्स्ट यूट्यूब इनकम आया था तो आपके फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन था ज्यादा कुछ खास नहीं, बट क्योंकि मेरे बड़े भाई तो बहुत बड़े यूट्यूबर है ना, तो ज्यादा खास कुछ नहीं था, बट था कि छोटा हिंदी भाई मतलब छोटे बेटे भी कुछ कर रहे हैं ऐसा समझ रहे। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम कुबरा अली क्यों रखा? कुबरा अली क्यों रखा? तो मेरा नाम है सलीम अली, तो इधर से मैं अली कट कर लिया, और कोबरा भाई तो उसका क्लैन में हूँ, तो मतलब कोबरा रखने में ज्यादा बढ़िया लगेगा, तो इधर से दोनों लगा के कोबरा अली कर दिया और हो गया। हाँ, तो इसी से मैं ये जानना चाहूंगा कि कोबरा क्लैन में रावण एक्सप्रो भी है, लेकिन उसने अपने चैनल का नाम कोबरा रावण न रख करके कोबरा रावण एक्सप्रो रख चुका है, तो ऐसे अलग नाम मतलब मेरे को अच्छा लग रहा था कोबरा अली नाम और कोबरा भाई समझ रहे, तो उधर और रावण अलग इसलिए रखा था कि रावण एक गाना देखता था ना हट रावण रावण में, तो गाने के देख के भाई उसको भी अच्छा लगा कि यही रख देता मैं रावण एक्सप्रो, तो मतलब अच्छा है फिर भी सबका। तो चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि पबजी लाइट में आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन कौन है? पबजी लाइट में फेवरेट देखो सबका एक होता है, किसी का गेम प्ले अच्छा है, किसी का कमेंट्री अच्छा है, और किसी का गेम प्ले हैकर जैसा है, मतलब सभी अच्छा है भाई, बुरा कोई नहीं। तो मेरा नेक्स्ट सवाल ये है कि YouTube वीडियोस बनाने में आपको कौन कौन सपोर्ट करता है या मदद करता है? मदद तो सबको ही करता है, मतलब क्लैन मेंबर करता है और सबको ही करता है, और सबसे ज्यादा मदद करता है कोबरा लॉयन। अच्छा, कोबरा लॉयन बोले तो शेर भाई, शेर का पावर नहीं जानता ना सब लोग भाई, शेर बहुत मदद करता है हमको। तो नेक्स्ट सवाल ये है, थोड़ा पर्सनल है, कि आपके बेस्ट फ्रेंड का क्या नाम है, लड़की लड़का कोई भी? मेरा बेस्ट फ्रेंड बोले तो एक तो नहीं है भाई, बहुत सारा है, तो कुछ लोगों का नाम कोबरा भाई, रावण एक्सप्रो, कोबरा लॉयन, कोबरा टॉक्सिक, कोबरा टॉम, और मतलब फ्रेंड तो भाई हर कोई होता है ना, तो क्लैन मेंबर भी फ्रेंड ही है हमारा सब कोई, और भाई हाँ, और भाई सबसे फनी फ्रेंड है लॉयन भाई, कोबरा लॉयन भाई, शेर का पावर भाई, पावर एक बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सवाल मेरा ये है कि आप अपने यूट्यूब चैनल कोबरा अली के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते कि सपोर्ट करो और सपोर्ट रखना चाहिए। अच्छा, और सबको सपोर्ट करो भाई, और अच्छे चीज को ही देखो। तो लास्ट जाते जाते मैं ये जानना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल भीकेवी फंडा के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? पूरा एकदम भाई सब्सक्राइबर का बटन पे भूकर तक मचाओ, और लाइक तो भाई इतनी लाइक करो कि एकदम टॉप पे रहना चाहिए भाई, सबसे टॉप पे। रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए। हाँ, रिकॉर्ड मतलब तुम्हारा चैनल का रिकॉर्ड टूटना जरूरी है भाई। तो सबसे ज्यादा कुबरा भाई का ही व्यूज है, 2 लाख प्लस व्यूज। हाँ, तो उसके आगे नहीं तो उसके मतलब 1.5 लाख तो जाना चाहिए भाई इस वीडियो में। और ऐसे भी तो मतलब फेस कैम करते तो मजा आता, लेकिन दिक्कत है बहुत। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए यूट्यूबर के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो बहुत सारे लोगों का रिकमेंड था कि सर कुबरा अली का इंटरव्यू कीजिए, तो ये रहा अभी तो वॉइस के ही साथ इंटरव्यू हुआ है। नेक्स्ट मंथ जब हम कोलकाता जाने वाले हैं तो वहाँ पे ब्लॉग भी बनेगा कुबरा अली और कुबरा भाई के साथ, और कुबरा अली का एक पूरा वीडियो आने वाला, इंटरव्यू वीडियो पूरा फेस के साथ। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।